कौन थे वो लोग? बताओ ना। कूल। बताओ मुझे क्या कूल है? लेकिन इस टाइम पे क्या कर रहे हो? सेटिंग है? चल पुलिस स्टेशन चल के बात करते हैं। उन्होंने हम पर अटैक किया है, तो आप हमें क्यों पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं? सारी बातें पुलिस स्टेशन में करेंगे, जल्दी गाड़ी में बैठो। दिस इज नॉट फेयर सर। बेबी, हमें क्यों बुला रहे हैं आप? स्टेशन ही बुला रहे हैं ना, रिलैक्स। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मुझे पता है यहां पर क्या हो रहा है। चलिए सर। सर आप इसे क्यों मार रहे हैं? हमें क्यों अरेस्ट किया है आपने? Just leave him, sir. उसे छोड़ दीजिए सर। एक बात बोलता हूँ तुझे, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। रेंट पर दोगी या लीज पर, खुद ही डिसाइड कर ले। सर, गलत कर रहे हो। आधी रात को लड़की, उसके अलावा पुलिस स्टेशन, इज्जत नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? देनी पड़ेगी। नहीं दोगे तो मैं सिखाऊंगा। इन सबको मारकर तेरे पास आने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बेबी तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठी सर। तेज मार खान, ऐसे चिल्लर लफड़ों के लिए मैं नहीं आता हूं, पर तेरा नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए एक बार देखने चला आया। उंगली की है ना, देखेगा। कल से तू देखता ही रहेगा। दुख क्या होता है शायद तुझे एहसास नहीं है, तो भी कल से दुखी रहने वाला है। थैंक्स फॉर योर स्वीट वार्निंग। इंटरेस्टिंग है ना? इसका रिएक्शन जल्दी ही दिखेगा, उसके बाद मिलूंगा तुझसे। सिर्फ मिलने की बात करना काफी नहीं है, लोकेशन शेयर कर। वैसे भी हैदराबाद का रोड ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है। इसे दिखाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, छोड़ दीजिए इसे। क्या हुआ माँ? माँ उठो माँ, माँ चक्रे क्या हुआ माँ? ये चोट कैसी माँ? चक्रे क्या हुआ माँ? चक्रे क्या हुआ? तुम्हारी माँ मर गई।
मर कैसे गई? मेरी माँ मर कैसे सकती है? मेरी माँ मर कैसे गई? माँ माँ उठो, माँ 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 उठो ना, माँ 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 मैं आ गया हूँ, माँ 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 उठो, मैं आ गया हूँ, देखो माँ 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 तुम्हें उठना पड़ेगा, माँ माँ प्लीज उठो, माँ माँ आगे खोलो, माँ माँ प्लीज उठो, माँ 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 चक्रे किसने किया ये सब? वो कोई जीजा के आदमी थे। कौन हो तुम लोग? मैं उसे बचा भी नहीं पाया। का हीरोइज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेके जाओ इसे और इसके घर के सामने फेंक दो। माँ, हमें छोड़कर चली गई। मैं जब नहीं था तब क्यों लेकर गए थे चक्री? मैं जब नहीं था तब क्यों लेकर गए थे? तुम्हारे लिए बहुत देर तक वेट किया, तुम आए ही नहीं। उसे ज्यादा देर तक नहीं रख सकते थे। सब कुछ मैंने ही कर दिया। मैं उसे आखिरी वक्त में देख नहीं पाया। ऐसा मत कहो, आखिरी वक्त में नहीं देख पाया। शांत हो जाओ, आखिरी वक्त में नहीं देख पाया। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं, शांत हो जाओ। मेरी वजह से माँ मर गई। नहीं है, मेरी वजह से मर गई। अगर कोई जरूरत हो तो मेरे पास आना, चुटकी बजाते काम हो जाएगा। अरे हट जाओ। अरे मैं बात करने आया हूँ, झगड़ा करने नहीं सकता। अरे रुक रुक, मुझे अर्जेंट में मिनिस्टर साहब से मिलना है। परमिशन दे। अरे वो मुझे देखेंगे तो पहचान नहीं हुआ। प्लीज नहीं जा सकते। रुको रुको, अरे मेरी बात मानो ना। अरे वो मुझे जानते हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूं बस एक बार, प्लीज मुझे मिलने दो, उसके बाद मैं चला जाऊंगा उनसे मिलके। वो मेरे बहुत करीबी हैं,
जल्दी अंदर भेजो। अरे प्लीज जाने दो ना, मुझे मिलने दो उनसे। हाँ सर बोलिए, भेजता हूँ सर। बोला था ना। ठीक है। मेरी मां को मार दिया सर। किसने? वो कोई जीजा है। वो कोई तोप है क्या सर? भले ही वो तोप हो, मैं उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा, उसके दिल में फुल मैगजीन उतार दूंगा मैं। उसके लिए मैं जिस स्टेज पर हूं वो काफी नहीं है सर। सर आपने बोला था ना कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो आपके पास आने के लिए। आप बजाइए सर वो चुटके। मदर प्रॉमिस, उस हदे को मार डालूंगा। बढ़िया है। हर वक्त मुझे एक ही नजर से देखने वाले, आज बहुत अलग नजरिए से देख रहे हैं। ये धरती बहुत ही छोटी है ना भाई, बहुत फास्ट घूमती है। आपके लिए अभी वैसे ही घूमेगा। सर अभी सच में आप पुलिस है क्या? डाउट है क्या? गन भी दी हुई है। थैंक्स फॉर उंगली कराओ उंगली, नाउ गेट रेडी फॉर माय उंगली। स्टेशन के एरिया में रहने वाले जीजा पर एक भी केस बुक क्यों नहीं हुआ है? सर उसके डर से किसी ने कंप्लेंट ही नहीं की। वेरी इंटेलिजेंट फेलो। हाँ तो फिर एक काम करते हैं, उसके बिना में या उसके भरोसे के आदमियों पर केस बुक हुआ होगा ना, इमीडिएटली। क्या कहा? इमीडिएटली वो फाइल्स मेरे सामने रख दो। जाओ जल्दी। कैसा था भाई? तू तो आ गया भाई। फायर। बहुत लोगों ने गलत काम किए हैं भाई। तुम्हारे डर्टी हैंड से एक फाइल निकालो। यू मीन लकी? नो, डर्टी। ओके। मुझे एक डाउट है। तू एसआई बना चलेगा, लेकिन तूने मुझे कांस्टेबल क्यों बनाया? मेरी माँ अक्सर कहा करती थी हमें खुद पढ़ना चाहिए या फिर पढ़े लिखे इंसान के साथ रहना चाहिए। हमारे बीच में बीटेक पास होने वाला तू ही है, इसलिए मेहनत करके कांस्टेबल जॉब के लिए रिकमेंड करवाया। बीटेक किए हुए को कांस्टेबल? चल काम कर। ठीक है। इंकी पिंकी पोंकी फादर इज द डोंकी। ये तेरा डर्टी हैंड्स नहीं है, लकी हैंड्स। इन चारों के टच में कैसे जाऊं ये सोच रहा था। कोई बात नहीं, अद्भुत फाइल उठाई है तुमने। तो साथियों चलिए जगह पर चलते हैं। Rocks. Come out. अच्छा तो पुलिस ड्रेस में आएगा तो मान लेंगे कि तू पुलिस वाला है। अभी भी नहीं मानेगा तो ये बुलेट घुस जाएगी तुझमें। तेरी प्रॉब्लम क्या है?
जानता मैं कौन हूँ, चीजा का आदमी हूँ। ओ, तू जीजा का आदमी है क्या? तो मैं कौन हूँ जानता है? जरा लग, जरा दीजिए। दिखाई देने वाले तीन शेर यहाँ आए और धर्म के हैं। वो क्या कहते हैं? प्रतिरूप है सर। हाँ, प्रतिरूप है। तो जो चौथा शेर नजर नहीं आता ना, वो है ये पुलिस।